राजधानी देहरादून में केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के तहत बीजेपी अगस्त मुनि ग्रामीण नगर मंडल के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर जुटने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए चंपावत का भी रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से कार्य में जुटने का अनुरोध किया। वहीं इस बैठक में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, विधानसभा संयोजक भरत सिंह चौधरी सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 8 अगस्त के अंदर अगस्त में नगर अगस्त ग्रामीण की बैठक थी। अब पार्टी नामांकन की और बढ़ रही है। पार्टी प्रत्याशी घोषणा होते ही हम लोग भव्यतम नामांकन उखीमठ के अंदर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता उस नामांकन में उपस्थित हो, आम मतदाता उपस्थित हो और नामांकन दिन ही भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रदर्शित हो, इस भाव के साथ बैठक के साथ साथ आगामी दिनों के अंदर बूथ के प्रबंधन बैठकें होनी है। बूथ कमेटी की बैठकों की तिथि हमने तय की है और जो हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर जो कार्यकर्ता प्रवासी के नाते आए हुए हैं, उन सब कार्यकर्ताओं ने से मैंने फीडबैक लिया है, बूथ का फीडबैक लिया है, कार्यकर्ता का फीडबैक लिया है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ के अंदर एक अच्छे मतों की और जीत की ओर बढ़ रही है।